नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे हाँ जी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके आपके बिजनेस को लेके, आपके पर्सनल लाइफ को लेके काफी सारे सवाल आ रहे हैं। बहुत ज्यादा आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों माफी भी चाहूंगा, थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है, क्या है कंटेंट अच्छा देना है ना आप लोगों को, इसलिए आज बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। आज मैं आपको दूंगा एक छोटा सा उपहार आपके लिए, सो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों आज का सवाल किया है वर्षा जी ने रायपुर से, पूछती है सर हाउ कैन आई अट्रैक्ट माय कस्टमर टू इंक्रीज माय स्टोर गुडविल। वर्षा जी एक लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। धंधा हो जाएगा मंदा अगर राह चलते कस्टमर पे नहीं डाला आपने कोई फंदा। समझिएगा बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका धंधा हो जाएगा मंदा अगर राह चलते कस्टमर पे आपने नहीं डाला कोई फंदा। फंदा मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, फंदा मतलब ये है कि ऐसा क्या चीज आप अपने स्टोर में कर रहे हैं जिससे आपका न्यू कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पास आ रहा है। वो जंगल में शेर देखा है, जैसे शेर को पकड़ने के लिए जंगल में बकरी रखा जाता है ताकि बकरी की आवाज सुन के शेर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वैसे ही आज बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दूंगा ऐसे टिप्स कि आपका कस्टमर आपकी तरफ खींचा चला आएगा। न्यू कस्टमर तो आएगा ही, साथ में जो आपका पुराना कस्टमर है वो आपका लॉयर बन जाएगा। हाँ जी सही सुना आपने एकदम, लॉयर, मैंने कहा लॉयर बन जाएगा। जैसे लॉयर देखा है आपने, लॉयर अपने मुवक्किल के लिए कोर्ट में लड़ता है, उसके प्रोडक्ट के लिए, उसके सामान के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए फाइट करता है जज के सामने, वैसे ही आपका कस्टमर आपके लिए फाइट करेगा। जिस दिन आपका कस्टमर आपका लॉयर बन गया ना, समझिए आपका बिजनेस चल पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की बात दुनिया सुनती है, और जब ये होगा ना तो आपका धंधा कभी नहीं पड़ेगा मंदा। चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपने न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसे ये फॉलो होगा। कोई भी कस्टमर सिर्फ दो तरीके से आपके पास आता है, पहला देख के, दूसरा सुन के। नहीं समझे, समझाता हूं। कस्टमर के पास ऑप्शंस होते हैं। आज मार्केट में सिर्फ आपकी दुकान नहीं है, आप जैसे हजारों दुकान है, तो कस्टमर क्या ऐसा देखेगा आपकी दुकान में कि आपके पास आएगा, ये रीजन आपको देना होगा। दूसरा, कस्टमर आपके शॉप पे आता है सुन के, जब आपका लॉयर आपके कस्टमर्स दूसरे कस्टमर जाके मार्केट में आपकी तारीफ करेंगे, तब नया कस्टमर आता है, अरे वाह मिश्रा जी की दुकान में बहुत अच्छे प्रोडक्ट है भाई जाके देखना, तो वो सुन के आता है आपके तरफ। देखने से मतलब समझिएगा, पहला जो मैंने बताया कि कस्टमर कुछ देख कर आता है, देख कर का मतलब क्या है, कई बार आपका नेम का बोर्ड या फिर आपका नेम, आपके शॉप का नेम कुछ ऐसा होता है जिसको कस्टमर देख के आकर्षित हो जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे कैफेज के नाम सुने होंगे, रजवाड़ा कैफे, या बहुत सारे होटल के नाम सुने होंगे, कुछ अजीबोगरीब होते, पाजी द पिंड, तो ये नाम क्या होते हैं, कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। अरे वाह पाजी द पिंड, ये क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता है ये नाम, तो नाम सुन के कई बार लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मेरी कंपनी का नाम अविष्टेक, अविश का अ हमने हिंदी में लिख दिया सर, हिंदी में लिखने के कारण लोग पढ़ना शुरू कर जाते हैं, पढ़ के उनको समझ में आता है अरे वाह कुछ टेक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, कुछ टेक्निकल काम हो रहे हैं। क्या आपके बिजनेस में ऐसा कुछ है, क्या आपने नेम में कुछ ऐसा रखा है कि लोग पढ़ के उसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए, लोग रुके एक सेकेंड ठहर जाए और समझे कि यह है क्या। दूसरा पॉइंट, कई बार न्यू कस्टमर भीड़ देख के आता है। मैं आपको अपनी की स्टोरी शेयर कर रहा हूं। लास्ट संडे मैं घूमने गया था, मेरे दोस्त ने हम फूड स्टॉल की तरफ जा रहे थे, वहां पे मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला यार ये न्यू जगह है यहाँ पे नहीं खाते। मैंने बोला नहीं चलो खाते हैं। हम फूड स्टॉल के पास गए, तीन स्टॉल थे वहां पे, मेरे फ्रेंड ने बोला बीच वाले में खाते हैं। मैंने बोला क्यों, बोले यार भीड़ है यहाँ टेस्ट होगा। समझिएगा उनके कहने का मतलब क्या था, अक्सर ह्यूमन नेचर है ये, कस्टमर पहली बार प्रोडक्ट वहीं का ट्राई करता है जहां उसे लगता है भीड़ है, क्योंकि भीड़ है तो लोग क्या हो रहे हैं उससे अट्रैक्ट हो रहा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छा है, इसलिए भीड़ है सर। कस्टमर भी यही सोचता है, नया कस्टमर आपके शॉप पे इंगेजमेंट देख रहा है, भीड़ है उसको पता टाइम लगेगा लेकिन वो आता जरूर है। क्या आपके यहां पे भीड़ है? ये दो बेहतरीन तरीके हैं, शोकेस ऐसा कीजिए कि आपके पास न्यू कस्टमर आ जाए, कस्टमर का इंगेजमेंट इतना बढ़िया रखिए, अपने शॉप पे इंगेजमेंट रखिए, भीड़ रखिए ताकि न्यू कस्टमर अट्रैक्ट होता जाए। भीड़ बनाने के लिए कई बार कस्टमर को ऑफर्स भी देने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैं प्रेजेंट करूंगा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका लॉयर कैसे बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार कई कई बिजनेस में 70% एग्जिस्टिंग कस्टमर का हाथ होता है बढ़ाने के लिए।
ध्यान से समझिएगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपना लॉयर बनाने के लिए उसका डीबीएमएस करना पड़ता है। डीबीएमएस क्या है सोच रहे होंगे आप लोग, सर फॉर्मूला दिया मैंने, डीबीएमएस करना पड़ता है, ये डीबीएमएस होता क्या है समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है, कहने के लिए तो ये कोर्स है, लेकिन अगर बिजनेस में बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। आपको आपके कस्टमर का डेटाबेस मैनेज करना होगा। जिस दिन आपने अपने कस्टमर का डेटाबेस मैनेज करना शुरू कर दिया, कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। कैसे पूछिए, आपका प्रोडक्ट जो कस्टमर लेके जाता है खत्म तो होता होगा, जानिए कब खत्म होता है, रिमाइंडर भेजिए कस्टमर को, होम डिलीवरी शुरू कराइए, कस्टमर के बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी हर पे उसको एक प्रेजेंट दीजिए, उसको एक विश दीजिए, कस्टमर आपसे जुड़ जाएगा। पैसे और प्रोडक्ट से नहीं जुड़ेगा, मेंटली अटैचमेंट हो जाएगी, इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी आपसे। और जिस दिन आपका कस्टमर आपसे इमोशनली जुड़ गया ना, मेंटली जुड़ गया ना, उस दिन आपका कस्टमर आपका बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा, आपके लिए फाइट करेगा मार्केट में, आपके लिए नए क्लाइंट्स भेजेगा। अब सोच लीजिए आप कितना बढ़िया प्रॉफिट है, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है ये। डीबीएमएस मैनेज कीजिए, डेटाबेस बनाइए कस्टमर का, कस्टमर को दिवाली विशेष ग्रीटिंग्स भेजिए, हर कस्टमर का, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबका डेटाबेस आपके पास होना चाहिए। अभी तक जितने आए अभी तक नहीं बनाया, अब बनाइए, नोट कीजिए कौन से रेगुलर कस्टमर है जो रिपीट करते हैं, उनको रिमाइंडर भेजिए। आपको पता है आपका प्रोडक्ट वो लेके जाता है 25 दिन में खत्म हो जाता है, 26वें दिन रिमाइंडर भेजिए, 24वें दिन भेज दीजिए, सर 25वें दिन आपका खत्म होने वाला है, आपका प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, रोलिंग बढ़ जाएगी, जल्द से जल्द मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। शॉर्ट में समराइज करता हूं, ध्यान से समझिएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। आपको न्यू कस्टमर लाना है तो आपको शॉप का डेकोरेशन, शॉप का फ्रेम जो होगा, शॉप का जो फ्रंट फेस होगा उसको, या अपने नाम को कुछ ऐसा क्रिएट कर दीजिए कि नया कस्टमर पढ़ के आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए आपकी तरफ। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसका डेटाबेस बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डेटाबेस से ही आप उसको रिमाइंडर दे सकते हैं, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको विशेष भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सम्मान से बड़ा इनाम कुछ नहीं होता। अगर आपने अपने कस्टमर का सम्मान किया, उसको सम्मान दिया, तो डेफिनेटली उसके लिए सबसे बड़ा इनाम यही होगा। आप कुछ भी कर लीजिए, उससे बड़ा इनाम आप अपने कस्टमर को नहीं दे सकते। सम्मान कीजिए कस्टमर का। उम्मीद करता हूं वर्षा जी आपको ये क्लियर हुआ होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ नया समझ में आया होगा कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को कैसे मैनेज किया जाए और न्यू कस्टमर कैसे लाया जाए। ये दोनों बहुत ही बढ़िया पॉइंट है आपके बिजनेस के लिए। दोस्तों मैंने बताया था ना, एक गिफ्ट दूंगा आपके लिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है, ध्यान से समझिएगा। काफी ज्यादा लेट हो जाता है आपका क्वेश्चन पूछने के बाद, काफी इंतजार करना पड़ जाता है आप लोगों को, अब नहीं करना होगा। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल साइट्स के लिंक है, किसी भी सोशल मीडिया पे अपने सवाल तुरंत पूछिए, अभी पूछिए। आपके सवाल आते साथ 24 घंटे के अंदर मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, आपको आपके सवाल के जवाब तुरंत देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप वेट मत कीजिए, बिजनेस बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। आप अगर अभी भी इंतजार कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तुरंत बढ़ रहा है, आप उससे तुरंत अपने सवाल पूछिए, लाइव पूछिए, कॉल भी पूछिए, मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा। वीडियो तो आराम से आएगी सर, वीडियो थोड़ा टाइम लगता है ना सर, बिजी हूं, काफी ज्यादा काम है, वर्कलोड होता है, इसलिए थोड़ा सा बिजी हो जाता हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन अपने सवाल तुरंत पूछिए सर। अभी कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिजनेसमैन भाइयों को शेयर कीजिए, उनको बोलिए अपने सवाल पूछिए, उनको बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो क्वेश्चन करें मेरे से, तुरंत जवाब दूंगा। ढेर सारे प्यार के लिए, लाइक्स के लिए, सब्सक्राइब के लिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।